Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वालिदैन की इज्जत एहतराम करें. जो बच्चे पढ़ जाते हैं वो वालिदैन को वैसे ही पागल समझते हैं. और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये हकीकत पर मबनी है. आप अपने इस शहर से मिसालें ढूंढना शुरू करें तो आपको मिल जाएंगी. बच्चों को पढ़ाया, सारी जिंदगी जो पैसे इकट्ठे किए थे सब कुछ बच्चों पर लगा दिया, तो बच्चों का एक ही फैसला कि अब्बा जी की अकल ही नहीं काम करती. तो जिस बाप ने उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया आज उसकी अकल नहीं काम करती, और जिस माँ ने आपके लिए ये सब बर्दाश्त किया आपको यहाँ तक पहुँचाया आज आप ज्यादा सयाने हो गए हैं. तो सवाल ये है कि वालिदैन ने भी कभी औलाद से कुछ तलब किया है? औलाद तो हमेशा वालिदैन से मांगते हैं. आपको पता है बच्चा जॉबलेस हो तो फिर भी वालिदैन से तवक्को करता है और अपना हक समझता है कि मुझे कुछ मिल जाए. लेकिन बाप जिस हालत में भी हो बच्चों से एक रुपया भी नहीं मांगता. माँ की बुरी हालत हो, उसको दवाओं की जरूरत हो, वो फिर भी बच्चों से नहीं कहती. कितने कितने दिन ऐसी माएं हमने देखे, हमें लोगों की शिकायत का पता चलता है. लोग बताते हैं कि इतने इतने दिन गुजर जाते हैं तो माँ ने ये नहीं बताया कि मेरी दवा खत्म हो गई है, कि बच्चों पर बोझ ना बन जाए. तो बच्चे ये बात कभी भी ना समझें कि वालिदैन हम पर बोझ हैं. वालिदैन बोझ नहीं बनते, हमेशा बच्चे ही बोझ बनते हैं उन पर. और वालिदैन को अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी है कि वो बच्चों का बोझ उठाते हैं. किसी ने बहुत खूब कहा था कि एक बाप 5 बच्चों को तो पाल लेता है, लेकिन जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो 5 बच्चों से एक बाप नहीं पाला जाता, तो फिर ये सब मुश्किल लगता है हमें. तो हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए. और कभी हमें ये लगता है कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, बाज़ ख़ानदानों में बड़े बुज़ुर्ग मसलन दादा नाना वगैरह कोई करीबी अजीज़ ऐसे बुज़ुर्ग लोग घर में होते हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये, क्योंकि जब बूढ़ा होता है तो वो जस्ट लाइक अ चाइल्ड, वो मतलब उसकी तबीयत में तेज़ी आ जाती है, उसको चिड़चिड़ापन आ जाता है, बीमारी की वजह से कुछ बोलना भी ज़्यादा शुरू हो जाते हैं बाज़ुकात बूढ़े लोग, तो वो बात बात पर टोक भी देते हैं या अपनी ज़िंदगी के तजर्बात की वजह से अपने बच्चों को बार बार आगाह करते रहते हैं, एक वाक़या को रिपीटेडली बयान कर देते हैं, तो बाज़ुकात बच्चे तंग आ जाते हैं. और बज़ाहिर उनका बोझ यही होता है कि वो दो वक्त खाना खाते हैं या थोड़ा सा वो बोलते ज़्यादा हैं, तो लेकिन जब वो चले जाते हैं दुनिया से तो फिर बाद में बलाएं और मुसीबतें बंदे के ऊपर आन पड़ती हैं. फिर ये समझ आता है कि वो ऐसे ही नहीं बैठे थे, बहुत सारी मुश्किलात तो इन्होंने टाल रखी थी. तो कभी किसी का सिर्फ चारपाई पर बैठना और आपके घर में मौजूद होना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होता है, और हमें ये पता नहीं होता, हमें इसका पता ही नहीं चलता, अंदाजा ही नहीं होता. इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए. जज़ाकअल्लाह. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.